तो क्या बोलती पब्लिक, आज है फ्राइडे का दिन और पूरे हफ्ते का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का दिन। मतलब कि आज भर भर के ओटीटी कंटेंट रिलीज होता है और जो कंफर्म होती हैं वो तो रिलीज होती ही है, उसके साथ ही कुछ सरप्राइज रिलीज भी किया जाता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता, मतलब कि बस ऐसे ही आसमान से टपक पड़ता है। तो उसके बारे में भी हर बार मैं आपको बताता हूं, जिसको देखे छोटा सा ही सही लेकिन मजा आता है। और इसी मजे को हर उस नई वीडियो के साथ लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई मजेदार सवाल भी करना हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल ही जाता हूं। तो चलिए अभी इस फ्राइडे की ओटीटी एक्सप्रेस वाली लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सरप्राइज लिस्ट से, जो है Z5 पे रिलीज हुई एक नई हिंदी वेब सीरीज सर्वम शक्ति मायम, जिसका ट्रेलर भी YouTube पे कल शाम को ही रिलीज किया गया था। और अभी ये वेब सीरीज Z5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है, जो एक इंस्पिरेशनल ड्रामा वेब सीरीज है जिसमें कहानी हमें एक फैमिली की दिखाई जाएगी जो बहुत रिच होते थे लेकिन अभी कुछ कारणों से फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उसी के चलते ही उनकी जिंदगी अभी रिलीजियस कारणों से कैसे बदलने वाली है वही हमें इस सीरीज की कहानी में इंस्पायर करते हुए दिखाया जाने वाला है, जिसकी स्टार कास्ट काफी बढ़िया लग रही है और ट्रेलर देखने से क्वालिटी वेब सीरीज लग रही है। इसके बाद दूसरी सरप्राइज MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फ्री में रिलीज हुई एक नई सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर मूवी शेर गुज्जर, जो वैसे तो एवरेज सी मूवी है लेकिन रिलीज हुई है तो बता रहा हूँ, जो अभी MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फ्री में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद साउथ की एक बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी विजय द रियल वरीसू, जिसे अभी आज से ही हिंदी डब में YouTube पे बिल्कुल फ्री में रिलीज किया जाने वाला है, जो हमें बी फॉर यू मूवीज के YouTube चैनल पे देखने को मिल जाएगी। चौपड़ के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक बड़ी पंजाबी इमोशनल ड्रामा मूवी चल जिंदिए। अभी बात करते हैं नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे हर फ्राइडे को ही बहुत सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज होता है और आज भी हो चुका है और कुछ हो रहा है और कुछ होने वाला है, जिसमें सबसे पहले है एक बड़ी कोरियन एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ब्लड हाउंड्स, जिसका सीजन 1 आज इंडिया के 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, जिसे कोरियन और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जो नेटफ्लिक्स की इस हफ्ते की एक बड़ी वेब सीरीज है। इसके बाद है एक 18 प्लस अडल्ट कॉमेडी ड्रामा एनिमेशन वेब सीरीज ह्यूमन रिसोर्सेज का सीजन 2, जो एक क्वालिटी आहा वाली वेब सीरीज है जिसमें जोर की हंसी आती है, मतलब कि ये एक आहा वाली हंसी वाली काफी बढ़िया वेब सीरीज है, जो भी अभी आज 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होने वाली एक और एनिमेशन कॉमेडी ड्रामा एडवेंचर वेब सीरीज दिस वर्ल्ड कांट टेयर मी डाउन, जो भी एक मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाई गई एनिमेशन वेब सीरीज है लेकिन इसे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जो भी आज सही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद है एक नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज द प्लेइंग कार्ड किलर, जिसका भी सीजन 1 अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाला है लेकिन ये सीरीज हमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद एक नई रियलिटी टीवी शो सीरीज टेक्स मैक्स मोटर्स, जिसका सीजन 1 अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होने वाली एक नई 18 प्लस अडल्ट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी यू डू यू, जिसे भी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली एक नई इंग्लिश कॉमेडी ड्रामा मूवी द वंडर वीक्स, जिसमें हमें कुछ मॉम्स की कहानी दिखाई जाएगी जो अपने बच्चों को लेकर स्ट्रगल कर रही हैं, जो उन्हें तो इस कहानी में रुलाने वाला है लेकिन हमें जरूर हंसाने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होने वाली एक नई साउथ की एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी साहसम सवासगा सगईपो, जो तेलुगु मूवी है और अभी ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है। इसके बाद है एक और तेलुगु मूवी श्री मान्य नारायणा, जो भी तेलुगु मूवी है और ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं Z5 की, जहाँ पे हमें टोटल 3 वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है। एक्चुअली ये वेब सीरीज नहीं बल्कि रियल थिएटर होने वाला है, मतलब कि हमको एक ही जगह की एक ही सेट में कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें 3 कहानियां देखने को मिलने वाली है, जिसमें पहली है कोई बात चले, दूसरी है कुसुम मनोहर ले ले और तीसरी है गुनहगार। ये तीनों थिएटर वाली सीरीज ही होने वाली है, जिसमें हमें एक ही सेट पे कुछ चुनिंदा कैरेक्टर्स की ही कहानी देखने को मिलेगी। इसके बाद अभी बात करते हैं Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे एक बड़ी वेब सीरीज द लेक का सीजन 2 रिलीज होने वाला है, जिसकी लैंग्वेजेस अभी कंफर्म कर दी गई हैं और अभी ये सीरीज इंग्लिश के साथ साथ हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद साउथ की एक बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी कस्टडी, जो अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही Amazon प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, जो भी एक बड़ी और बढ़िया क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें एक पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलती है, जिसका मिशन होने वाला है एक विटनेस को पुलिस स्टेशन से कोर्ट रूम तक ले जाने का, लेकिन उसके रास्ते में ही बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं, जो हमें एक्शन और थ्रिल के साथ दिखाई जाएंगी इस मूवी में। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए Amazon की ओर से रिलीज की जाने वाली एक पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी उड़ीका तेरिया, जो भी अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी इसे आज से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद हॉलीवुड की एक स्पोर्ट्स एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी क्रीड 3, जो भी आज से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही।
इसके बाद है एक नई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी एन अनफॉरगेटेबल ईयर, जैसे भी अभी अमेजोन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जो एक ओरिजिनल पोर्तुगीज मूवी है। इसके बाद है अमेजोन प्राइम पे लास्ट वीक रिलीज हुई एक नई हिंदी डब कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज डेडलॉक, जिसका न्यू एपिसोड आज अमेजोन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा हिंदी डब में। अभी बात करते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार की, जहाँ पे कुछ बड़ा तो रिलीज नहीं हो रहा है, बस एक इंग्लिश मूवी रिलीज हो रही है एम्पायर ऑफ लाइट, जो अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। इसके बाद है 2023 की एक नई एनिमेशन कॉमेडी ड्रामा मूवी द स्नूपी शो, जिसे कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी आज से ये मूवी एप्पल प्लस के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। अभी बात करते हैं हमारे मोटा भाई के प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा की, जो अभी आज लाल रंग में रंग चुका है, मतलब कि शाहिद कपूर की बड़ी हिंदी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी ब्लडी डैडी रिलीज हो चुकी है, जो अभी देखने के लिए अवेलेबल भी हो चुकी है, जिसमें हमें एक रात के खूनी खेल की कहानी देखने को मिलती है। इसके बाद जियो सिनेमा पे ही अवेलेबल की गई एक नई इंग्लिश क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द वायर, जिसके पांचों सीजन अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिए गए हैं। इसके बाद है अमेजोन मिनी टीवी पे रिलीज हुई एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज बदतमीज दिल, जिसका सीजन 1 अभी अमेजोन मिनी टीवी पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसमें हमें असुर सीरीज फेम मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जो अभी क्राइम की दुनिया से निकलते हुए अपनी रोमांटिक जिंदगी शुरू करने वाले हैं। इसके बाद है बंगाली ऑडियंस के लिए एक नई बंगाली क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी टेको, जिसे अभी अड्डा टाइम्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, लेकिन ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही। इसके बाद बंगाली लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली एक नई सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा मूवी नोस्टोनीर, जिसका सीजन 1 अभी आज से ही होयचोय के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद आहा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई 3 साउथ की मूवीज, जिसमें पहली है मैन 2, जो एक तेलुगु मूवी है, दूसरी है अडा तीगला, जो भी तेलुगु एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है और ये भी ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही आहा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दी गई है, और तीसरी है मलाई नेरा मलिपू, जो एक नई तमिल मूवी है, जैसे वे भी आहा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली तमिल लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है। अभी बात करते हैं इंडिया के ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म बुक माई शो की, जहाँ पे इस वीक में कोई भी हिंदी या हिंदी डब मूवी रिलीज नहीं हुई है, ओनली 4 इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवीज अवेलेबल की गई हैं, जिनमें सबसे पहली एक पीरियड एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी मार्लो, जिसमें हमें 1930 के दशक की कहानी दिखाई जाने वाली है, जब एक लड़की का एक्स लवर गायब हो जाता है और उसी को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया जाता है। इसके बाद है द एटर्नल डॉटर, जिसे भी अभी आज से ही ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही बुक माई शो स्ट्रीम पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद एक नई इंडियन अमेरिकन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा मूवी पोलाइट सोसाइटी, जिसमें थोड़ा सा एक्शन भी देखने को मिलता है, जो भी अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही बुक माई शो पे स्ट्रीम हो रही है, लेकिन ये मूवी पहले अमेजोन प्राइम पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी रिलीज कर दी गई थी। इसके बाद एक नई 18 प्लस अडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी द हनीमून, जो अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही बुक माई शो पे रिलीज कर दी गई है, जिसकी कहानी फन से भरी हुई 18 प्लस कॉमेडी वाली है, जब कुछ फ्रेंड्स एक वेडिंग फंक्शन पे जाने वाले हैं और वहां पे गड़बड़ करते हुए क्या क्या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो हमें इस मूवी में बहुत हंसाने वाला है। अभी बात करते हैं इंटरनेशनल वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म की, मतलब कि जो मूवीज आज से रेंटल बेसिस पे अवेलेबल हो चुकी हैं, जिसमें सबसे बड़ी रिलीज है फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का पार्ट 10, मींस के फास्ट एक्स, जो मूवी आज से ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसको हिंदी में देखने के लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 2 हफ्ते का, जो इंडिया में अमेजोन प्राइम के प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज की जाएगी, जिसके बारे में जब भी कुछ पता चलता है मैं आपको जरूर बता ही दूंगा, जिसके लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसके बाद एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी 97 मिनट्स, जिसकी कहानी एक प्लेन की होने वाली है, और ये मूवी भी आज से ही ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो ऑन डिमांड पे मींस के रेंटल बेसिस पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है हीरोज ऑफ द गोल्डन मास्क, जो एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे भी अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद एक नई कोरियन मूवी अलोनर्स, जो भी अभी आज से ही वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दी गई है। इसके बाद एक नई इंग्लिश सस्पेंस ड्रामा मूवी द एंग्री ब्लैक गर्ल एंड हर मॉन्स्टर, जो एक फैंटेसी एडवेंचर थ्रिलर मूवी है, जिसे भी अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज कर दिया गया है। अभी बात करते हैं हुलू के प्लेटफॉर्म की, जहां पे एक नई इंग्लिश मूवी रिलीज की गई है फ्लेमिंग हॉट। इसके बाद है एक नई और इंग्लिश मूवी ब्रुकलिन 45, जिसे AMC के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। इसके बाद है एक नई क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज ट्रिब्यूनल जस्टिस, जो एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है, फ्रीवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जिसको देखने के लिए आपको VPN नामक डार्क मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं थिएटर्स की, जहां पे एक बड़ी हॉलीवुड मूवी रिलीज होने वाली है, जो है ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट, जो एक साईफाई फैंटेसी एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे अभी वर्ल्ड वाइड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है एक नई तेलुगु मूवी अनस्टॉपेबल,
इसके बाद है साउथ की ही एक नई तमिल तेलुगु एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी विमेनम। इसके बाद है एक और साउथ की तमिल मूवी टक्कर। इसके बाद है साउथ की एक नई कन्नड़ा एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी गदा युद्धा, जो भी अभी आज से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है। इसके बाद है एक नई मराठी मूवी टीडीएम, जिसे आज से ही ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद एक और मराठी मूवी मुसंदी। इसके बाद है एक नई गुजराती कॉमेडी ड्रामा मूवी चार फेरा नू चकडोल, जो आज से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है और ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही। इसके बाद है एक और गुजराती कॉमेडी ड्रामा मूवी फेलोकू, जिसे भी अभी 9 जून से ही ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है एक और नई मराठी मूवी अम्ब्रेला, जो भी अभी आज से ही ओनली थिएटर्स में ही रिलीज हो रही है। तो ये थी आज के फ्राइडे के दिन की पूरी लिस्ट। लेकिन कल के दिन में एक साउथ की बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी चोर बाजार रिलीज होने वाली है, और वो भी बिल्कुल फ्री में ही यूट्यूब के एडवाइस मीडिया चैनल पे, जिसे अभी हिंदी डब में ही बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे रिलीज किया जाने वाला है।